तो वहीं दिल्ली के खटखटुमा के अंदर डीडीडी ईस्ट दिल्ली हब का उद्घाटन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि अमित शाह ने बोला केजरीवाल पर हमला, दूसरों के कामों पर ठप्पा लगा देती है दिल्ली सरकार। केजरीवाल ने एक नई शुरुआत की है, ये सोचना भी क्यों, भूमि पूजन भी क्यों करना, उद्घाटन भी क्यों करना। सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के इशारे पर हिंसा हुई थी, ये भी शाह की तरफ से कहा गया। फिलहाल कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। और दिल्ली के सारे प्रोजेक्ट भी इसी प्रकार से करने के लिए हरदीप सिंह जी कटिबद्ध है, मगर कांग्रेस की संस्कृति से भी आगे भी एक नई संस्कृति चालू हुई। मोदी जी ने सबको मजबूर किया है कार्य संस्कृति का फॉलो करने के लिए, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल ऐसे हैं कि जो नई नई चीजें करते रहते हैं। केजरीवाल जी ने एक नई शुरुआत की, भाई सोचना भी क्यों, बजट भी क्यों देना, भूमि पूजन भी क्यों करना और उद्घाटन भी क्यों करना, किसी का कराया कराया है अपने नाम का थप्पा लगा देना। अभी मैंने कल एक एडवर्टाइज देखी कि हर घर को पीने का पानी दिल्ली सरकार दे देगी। केजरीवाल जी 15 अगस्त को मेरी बगल में बैठे थे, आप मोदी जी का भाषण नहीं सुना? 2019 का मैंडेट मिलने के बाद लाल किले की प्राचीर से श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2024 के पहले इस देश के हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। और आप एडवर्टाइज देकर यश लेने की बात कर रहे हो? आप मुझे एक बात बता दो, आपके बजट में कितना रुपया इसके लिए प्रोवाइड किया है, आपकी क्या कार्य योजना है? आपको भी मालूम है जब मोदी जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर हम हर घर को पीने का पानी देंगे तो दिल्ली भी तो देश में आना है, आता है तो दिल्ली को भी मिलने वाला है। तो भाई केजरीवाल तैयार हो गए एक बड़ी एडवर्टाइज कर। एडवर्टाइज से दो काम उनके होते हैं, एक तो कोई योजना पर उनके नाम का थप्पा लगता है और अखबार वाले उनकी सरकार की बुराई नहीं करते। का ये जो कार्यक्रम बन रहा है पिछले 4-5 साल से लगातार इस पर कार्य हो रहा था और एक दिल्ली का पहला टीओडी का ये हब यहाँ बनने जा रहा है। और मुझे लगता है कि ट्रांस यमुना का जो ये हार्ट है कड़कड़डूमा, इसमें जो चहुमुखी विकास होगा, इससे अनेकों अनेक प्रकार का विकास होना है और एक ही जगह पर आदमी को सभी प्रकार की सुविधा मिलेंगी और ज़्यादा आबादी अच्छे तरीके से सारे उसको ट्रांसपोर्ट के साधन एक जगह मिलें, इस प्रकार का जो नया प्रयोग है उसका पहला कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है, जिसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। का ये जो कार्यक्रम बन रहा है पिछले 4-5 साल से लगातार इस पर कार्य हो रहा था और एक दिल्ली का पहला टीओडी का ये हब यहाँ बनने जा रहा है और मुझे लगता है कि ट्रांस यमुना का जो ये हार्ट है कड़कड़डूमा, इसमें जो चहुमुखी विकास होगा, इससे अनेकों अनेक प्रकार का विकास होना है और एक ही जगह पर आदमी को सभी प्रकार की सुविधा मिलेंगी और ज़्यादा आबादी अच्छे तरीके से सारे उसको ट्रांसपोर्ट के साधन एक जगह मिलें, इस प्रकार का जो नया प्रयोग है उसका पहला कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है, जिसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।